नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के मंत्री की जमानत याचिका पर अब कोर्ट 18 जून को अपना फैसला सुनाएगी, यानी तब तक के लिए सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान ईडी ने एक हैरान कर देने वाला दावा भी किया। बता दें कि ये दूसरी बार है जब ईडी इस तरीके से हैरान कर देने वाला दावा कर रही है। ईडी ने ही आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी जो है कोविड हुआ था, यानी कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी याददाश्त चली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने यही कहा कि कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। ईडी ने बताया कि तब सत्येंद्र जैन ने कुछ कागजातों के बारे में सवाल किए गए थे। हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन है, वो उसके मेंबर क्यों है, इस पर सवाल पूछा जा रहा था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। उनके घर पर ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्नी और बेटियों के नाम पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी की है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस केस को झूठा बताया था। कस्टडी के दौरान सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने की भी बात निकल कर सामने आई थी कि हॉस्पिटल में उनको जो है हॉस्पिटल में भी लेकर जाया गया था। उनकी तस्वीर भी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि कस्टडी में उनके साथ मारपीट हुई है। अब ऐसे में ईडी के बड़े खुलासे हुए, जिसमें ये कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उनकी याददाश्त कोविड के समय चली गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार विश्वास एंड डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा, भारत रत्न हवाला के पेपर देख बोले मंत्री जी, कोरोना से मेरी याददाश्त चली गई। ईडी से बोले सत्येंद्र जैन, जमानत पर 18 जून को होगा फैसला। सत्येंद्र जैन बेल प्ली 18 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, उन्होंने कहा कि कोविड के वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। वहीं इस मुद्दे पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा, कोरोना से मेरी याददाश्त चली गई। ईडी से बोले सत्येंद्र जैन, चिंता ना करो जैन साहब, ईडी ऐसी डॉक्टर है कि सारी याददाश्त एक झटके में याद दिला देगी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिजेश राय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी लिखा कि सत्येंद्र जैन ने ईडी से कहा है कि जब से मुझे कोरोना हुआ है तब से मुझे कुछ ही ज्यादा याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त चली गई है, ये भ्रष्टाचारी कोरोना को अपना हथियार बना रहे हैं। वहीं प्रीति गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा, ईडी के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए केजरीवाल की नीली आंखों वाले नेता सत्येंद्र जैन दिखावा कर रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई है। आम आदमी पार्टी के मंत्री पर अपनी पत्नी बेटी और सहयोगियों की मदद से हवाला लेन देन के माध्यम से 16 करोड़ से अधिक के शोधन का आरोप लगाया गया है। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। जैन को धन संशोधन के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी के साथ ही जैन की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सत्येंद्र जैन का सोमवार को ही पुलिस रिमांड का आखिरी दिन था, लेकिन कोर्ट ने फिर से आम आदमी पार्टी के मंत्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन रोज नए ड्रामे खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था तब नाटकीय तरीके से उनकी तबीयत खराब हो गई। वैसे राजनेता के साथ ही होता है, जब जेल नजर आती है तो नेताओं की तबीयत अक्सर बिगड़ जाया करती है। फिर उनके वकील एडी चोटी का जोर लगाकर नेताओं को पूरी सजा सर्वसवयायुक्त अस्पताल या फिर घर में ही जो है उनकी वक्त कटवा देते हैं।
इस बीच कुछ दिनों पहले ही नेताओं को जमानत मिल जाती है और वो फिर से जनता की गाड़ी कमाई और गाज की तरह घूमने लगते हैं। सत्येंद्र जैन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जो तबीयत की आड़ लेकर जमानत लेने की कोशिश में है और उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। अदालत 18 जून को जमानत पर फैसला देगी, यानी तब तक सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा। बता दें कि ईडी ने ही आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, जिसके बाद ईडी ने यह भी बताया था कि पूछताछ में अपने बयान लिखने में जैन बेहद सुस्त है। वो एक पेज लिखने में दो घंटे लगा रहे हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने बताया कि सवाल पूछने पर कि सत्येंद्र जैन कहते हैं कि उन्हें कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी याददाश्त चली गई। दरअसल जांच एजेंसी सत्येंद्र जैन से कुछ दस्तावेजों के बारे में सवाल कर रही थी, जैसे हवाला के पैसे पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या संबंध है, वो उसके मेंबर क्यों हैं, इस पर सवाल किए जा रहे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि घोटाले से जुड़ी बातों के मामलों में जैन की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय अच्छे से संभाल सकते हैं। बता दें कि जैन के घर पर ईडी ने रेड मारी थी। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्नी और बेटियों के नाम पर 16 करोड़ की हेराफेरी की है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जैन को कट्टर ईमानदार बताते हुए उन्हें पद्म विभूषण देने की मांग की थी, लेकिन केजरीवाल के वही कट्टर ईमानदार नेता अपनी याददाश्त खो चुके हैं और ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इस पर प्रवेश साहिब सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा है, सुना है सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि कोरोना से उनकी याददाश्त चली गई है। ऐसा ना बोलिए सत्येंद्र जी, आपके साथ मिलकर केजरीवाल जी ने असंख्य घोटालों में जो अरबों रुपए कमाए हैं उसे आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं तो इस चिंता में अरविंद केजरीवाल जी चैन से सो तक नहीं पाएंगे। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की भी प्रतिक्रिया जो है अब देखने के लिए मिल रही है। कपिल मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और उन्हें लिखा है, सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई तो वो अभी तक मंत्री और विधायक आखिर क्यों है? उन्होंने कहा, मेमोरी जाने की बात सच है तो सत्येंद्र जैन स्वतः ही मंत्री और विधायक बनने के अयोग्य है, यानी इन दैट वो कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी याददाश्त जा रही है और एक इतना गंभीर विभाग उनके अंदर में स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे में याददाश्त का इलाज उनको कराने की जरूरत है, उस डिपार्टमेंट का उनको जो है मंत्री बनने के लिए वो इस वक्त अयोग्य है। उन्होंने लिखा, अभी तो सिसोदिया और केजरीवाल की याददाश्त भी जाएगी। तो देख सकते हैं ये एक तंज के तौर पर उन्होंने दिया कि अब मनीष सिसोदिया का और अरविंद केजरीवाल के भी याददाश्त जल्द जाने की कगार पे है, क्योंकि ईडी की रडार पर अब सिसोदिया भी हैं और इसके बाद जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी जल्द पहुंचने वाली है। ऐसे में हमने जो है अभी तक इस मामले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आई है उसको आपको बताया है। हमने आपको बताया कि सत्येंद्र जैन का नया तकिया कलाम क्या है, किस तरीके से अब सत्येंद्र जैन याददाश्त जो है खोने की बात कर रहे हैं, याददाश्त गायब होने की बात कह रहे हैं कोविड की वजह से अब वो भूल गए हैं, और ये भूलने की बीमारी उन्हें कब हो रही है? जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं हवाला पैसे से जुड़े हुए, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उन कागजातों से जुड़े हुए जिसमें उनका लेन देन है, जिसके वो मेंबर है, उन्हें ये सारी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन उनको अपना मंत्रालय याद है, उन्हें पैसे याद है, अपनी गाड़ी याद है, अपने बीवी बच्चे याद है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है। तो उस अहम कड़ी वो याद रही है जिस पूरे मामले को लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो इसे सोशल मीडिया पर लोग ड्रामा, नौटंकी और कई सारे चीज़ों के नाम दे रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया, उनका स्टेटमेंट भी बता दिया, ईडी ने क्या कहा वो भी बता दिया, किस तरीके से एक के बाद एक बहाने दे रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब इस स्टेटमेंट पे कि उनकी याददाश्त कोरोना के वजह से गुम हो गई है, इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।